हरी हूँ, मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है। मैं दुबई उपासना केंद्र से हूँ। साल 2000 साल में दुबई उपासना केंद्र में मैं पहली बार आया। मैं आप लोगों के मैं वहाँ पे सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ। और पहली बार दुबई में मैं एक मंदिर में गया। वहाँ मुझे एक कुछ मित्र मिले और वो बापू के बारे में बात कर रहे थे और उपासना शुरू होने की बात कर रहे थे। तो मैं बोला ठीक है, मेरी भी उनसे पहचान हुई तो मैं बोला मैं आऊँगा। हमारी सोच जो है, मेरी सोच में काफ़ी छोटी सोच थी उस समय। मैं ये समझ नहीं पाया, ये उपासना की तो बात करें पर उपासना का अर्थ मुझे नहीं मालूम था। फिर मैं वहाँ पे गया, एक बड़ा तस्वीर था, उसके ऊपर एक हार लगा हुआ था। फिर मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये परम पूज्य बापू हैं, ये हमारे सद्गुरु हैं। मैंने नमस्कार किया, बैठा और मैंने प्रार्थना की, उपासना किया। लेकिन जाने से पहले मेरी सोच क्या थी और उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने सोचा कोई ये लोग कोई महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कोई हाथ देखेगा या चेहरा देखेगा और आपके फॉर्चून टेलर जैसे होते हैं, इस तरीके के ये सोच मैं लेके गया था। बहुत ख़राब सोच थी, फिर भी वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ था नहीं। मैंने पहली बार उपासना का अर्थ समझा, जो मैं प्रार्थना की, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हुआ। शायद मैं उसमें कम था, इसीलिए मैं ऐसे चीज़ों के पीछे भागता था कि जो कोई हाथ दिखाए, कोई ये बताए, कोई वो बताए। लेकिन हमारे अंदर की अगर कोई शक्ति, हमें परमात्मा है, इसका जो ज्ञान अगर कोई बता सके वो परम पूज्य बापू ही बता सकते हैं। और वो उपासना के द्वारा जैसे जैसे शुरू हुई, उसके हिसाब से जो आगे मेरे कुछ अनुभव में जो 2003 में हुआ, मैं आपके समक्ष बताना चाहूँगा। उपासना चलते रहा, मुझे एक मेरी एक आंतरिक शक्ति जो बढ़ती रही और मुझे एक विश्वास सा था कि कोई है जो मेरे आसपास है, जो मेरा कोई रखवाला बन गया है, जो हर चीज़ में मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो मेरे परम पूज्य बापू थे। और वो मैं देख नहीं पाता था पर हमेशा उसका एक एहसास मुझे होता रहता था। और इसी के दौरान मुझे एक नया ऑफ़र आया, एक अवकाश मिला एक बड़ी कंपनी में काम करने का। वहाँ पे कुछ कायदा कानून है दुबई में उस समय, जब आप कोई विदेश में जाते हैं, जब आपको आपके पासपोर्ट पे एक वीज़ा लगता है जो वहाँ का परमिट है कि आप जब काम करते हो, आप किस डेसिग्नेशन पे हो और आप कितने साल आप कितने साल यहाँ रह सकते हो, और उसके बाद वो रिन्यू होता है, अगर आप छोड़ते हो तो वो रिन्यू नहीं होता, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन उधर का कुछ कायदे कानून ऐसे भी हैं, अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो तो जो पुरानी कंपनी है वो आपको NOC दे या आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र करें, ये सब कुछ नॉर्म्स होते हैं जो मुझे उतना उसका इल्म नहीं था। फिर जब मुझे पता चला कि एक अच्छे ऑफ़र आया है और मैंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया, मैंने बोला ठीक है मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँगा। ये सेमी गवर्नमेंट कंपनी थी और तनख्वाह भी कुछ 30-40% बढ़ के मिल रही थी, तो कौन नहीं कहता। फिर आगे मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद वहाँ पे ऐसा और एक कायदा ये था उस कंपनी का कि आप जब रिज़ाइन करते हो आपका पासपोर्ट ये हमेशा कंपनी के साथ रहता है। आज के दिन में वो कायदा नहीं लेकिन उस टाइम था ये, और वो आपको पासपोर्ट एयरपोर्ट पे देंगे। अभी ये जो मैं उपासना कर रहा था इतने दिन से, जो भी बापू मेरे से करवा रहे थे, ये आने वाले जो दिन थे, जो भी मेरा जो तकलीफें थी उनको उनसे लड़ने के लिए ये बापू ने तैयार किया था। क्योंकि बापू ने एक बार प्रवचन में हमें बताया भी था कि आई ओनली कीप अकाउंट विद यू नॉट काउंट, मीन्स उन्होंने उनका मेरा नाता तो बन गया था और वो ये सब मेरे से करवा रहे थे कि आगे मुझे कोई भी तकलीफ़ हो तो ये सब मुझे बचाया जाए। और ये मेरे जो सदगुरु, मेरे बापू, ये मेरे पीछे हमेशा से एक एक शक्ति के दौर में मेरे आसपास एक शील्ड बन के, एक ढाल बन के खड़े थे हर चीज़ में। तो मुझे पता नहीं था कि अगर आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब छोड़ते उधर पे आपको बैन लगता है 6 मंथ का।
और ये कंपनीज, कुछ कंपनी जानबूझ के करती हैं, कुछ कंपनीज चाहे तो आपको रिलीज दे देती हैं फिर। और अगर आप कुछ गलत करके ये सब करते हो तो ये बैन जरूरी है, लेकिन अगर आप कुछ उनका न कुछ न बिगाड़े ऐसे ही कुछ आपको अगर अच्छा ऑफर मिलता है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ था नहीं, इन्होंने कुछ पूछा नहीं। और जब मैं एयरपोर्ट, इन्होंने बोला ठीक है आप रिज़ाइन करो, आपका पासपोर्ट आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, आप निकल सकते हो। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वो पीआर ने बोला आपको बैन लगाया, आप वापस इस कंट्री में 6 मंथ आ नहीं सकते। तो पहला शब्द जो मेरे मुंह से निकला मीन्स बापू, वो थे मेरे आसपास, थे मेरे अंदर थे। और मैंने बोला ठीक है शायद इसमें भी कुछ है जो बापू चाहता है मेरा अच्छा हो। फिर मतलब अगर जा ही रहा हूँ तो मैं मेरे पुरानी जो नई कंपनी जहाँ ज्वाइन करूँ वहाँ पे मैं कॉल करूँ। मैंने वहाँ पे कॉल लगाया और पता नहीं कुछ एक अधूरे विश्वास ऐसे ही था कि कुछ बिगड़ने वाला नहीं है मेरा। और मैंने कॉल किया और जो हमारी पीआरओ थी वहाँ की, जो एचआर मैनेजर थी वो वैष्णो माता की भक्त थी और मैं अनिरुद्ध वैष्णो, तो वो जो था विश्वास, मैंने उसको कॉल किया और मैंने बोला ऐसा ऐसे मेरे साथ हो गया। तो बोलती है क्या हुआ, तुम जा रहे हो तो तुम मत जाओ, तुम छोड़ दो, तुम मत तो बाकी कुछ मत सोचो, पहले बताओ कि वो पीआरओ तुम्हारे सामने खड़ा है जो पासपोर्ट देने आया है। मैं बोला हाँ वो खड़ा है सामने ही खड़ा है। बोलती ठीक है वो थोड़ी देर में निकल जाएगा, तुम अंदर जाने का नाटक करो, तो वो गेट से चले जाओ अंदर, इमिग्रेशन में मत जाना, वो लॉबी में आगे तीसरा गेट है वहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं बाकी मैं देख लेती हूँ। एक्चुअली वो कुछ नहीं देख रही थी, सब बापू देख रहे थे और बापू कर रहे थे। फिर मैंने बोला ठीक है और मैं लॉबी में गया, तीसरे गेट से बाहर आया और वो जो नई कंपनी थी उनकी कार बाहर खड़ी थी, लोगों था और वो बंदा जो था उसने मेरे को हाथ किया, बोला जल्दी आ बैठ जा। और इतने में ये निकल गया था दूसरा बंदा भी। अभी दो चीज़ें इसमें, एक तो अगर आप किसी का कुछ बिगाड़ रहे हो तब आप जा आप उस कंपनी को कुछ उसका नुकसान कर रहे हो और दूसरे कंपनी में जा रहे हो तो लाजिम आपका आपके कोई गुनाह है, इसके वजह से आपकी सज़ा मिल रही है। लेकिन मेरे मेरे इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, मेरा रहना न रहना उस कंपनी में कोई मायने नहीं था। और इन्होंने ने पूछा कि व्हाई यू आर लीविंग, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन, आई एम नॉट हैप्पी हियर, मैं मेरे को जो मिलना है नहीं मिल रहा है, और वैसे भी मेरा रुकना न रुकना इधर कोई मायने नहीं है, ठीक है बाकी कुछ नहीं। और बापू भी हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। आगे ऐसा हुआ कि ये जो पीआरओ था नई कंपनी का, उसने मुझे गाड़ी में बैठाया, बोला पासपोर्ट दो तुम्हारा। फिर उसने कुछ फ़ोन में अरबिक में किसी से बात किया और बोला ठीक है कुछ नहीं, तुम कुछ सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा, ये सब जो ठीक हो जाएगा, ये जो शब्द थे ये मेरे बापू के थे, वो कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसने पिया हमारी एचआर मैनेजर को फ़ोन किया और उसको बोला कि सतीश इधर है मेरे साथ, उसको ऑफिस लेके आओ। बोली नहीं, उसको घर छोड़ दो, उसको बोलो कुछ नहीं सोचना, निश्चिंत रहे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस पासपोर्ट लेके ऑफिस आ जाओ। उसके बाद 6 महीने ना पासपोर्ट का था पता ना वीज़ा का था पता, कुछ मालूम नहीं। और मैं सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ दुबई में, गाड़ी चला रहा हूँ, सब कुछ वैसे नॉर्मल, कुछ जैसे कुछ मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं। और ये होते होते 6 महीने बीत गए और मुझे मेरा रेगुलर वीज़ा और पासपोर्ट वो दोनों मिला हाथ में। और ये जो कंपनी थी ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, और जो नई कंपनी थी उसने मेरे को हायर कर लिया था, और सब कुछ सही सही होते गया। अभी विदेश में ऐसा आपके पीछे क्यों होना चाहिए, या किसी के पीछे क्योंकि मेरे पीछे तो मेरे परम पूज्य बापू सदगुरु की कृपा हमेशा थी, है, रहेगी। और ये ऐसी बातें होती गई, ऐसे बहुत से ये अनुभव मेरा 2003 के ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन ये जो है जो था ये आज आप किसी को जाके बताएंगे दुबई में, ये बोलेंगे नहीं नहीं ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पर वो कायदा कानून के दायरे बापू को मालूम है, पर फिर भी जब मैंने अगर कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ बापू भी मेरा गलत नहीं करेंगे। और इस वजह से
वो जो मेरी जो काया थी मेरे आसपास, जो मेरे परम पूज्य बापू की काया थी, जो सिर्फ उस उपासना से मिली थी, मैंने कभी बापू को देखा नहीं था 2003 तक, फिर भी जस्ट मेरी जो प्रार्थनाएं थी, बापू उन प्रार्थनाओं का, वो मैं प्रार्थना करवा रहे थे और वो उस प्रार्थनाओं का फल भी दे रहे थे। मैं बिना मांगे मेरे को सब कुछ बापू ने दिया उस समय, बचाया, एक आंतरिक शक्ति दी ऐसे चीज़ों को झेलने के लिए। और ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है, ये कोई विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि बापू परमपिता जगत पिता हैं, उन्हें ये जो बाउंड्रीज, या आप बोलें कि ये जो हद, ये जो भी है, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर आप सच्चे हो और अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो बापू आपके साथ है। और इसके बाद मेरा जो भी है आगे, जो ज़िंदगी बढ़ते गई, बापू हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहे आज तक। और मैं मेरे पास शब्द नहीं है, पर बापू ने फिर भी कहा कि अम्बदने बोलो, श्री राम बोलो। और सच में, मैं सच में बहुत बहुत अम्बदने हूँ, खूब खूब अम्बदने बापू, कि मैं आज आपकी छत्रछाया में पल रहा हूँ। आपकी दया दृष्टि करुणा कृपा ऐसी मुझ पर बनी रहे। हरिओम, श्री राम, अम्बदने बापू।